डॉक्टर लोग को माला भी पहनाया गया है, ये देख सकते हैं, ये देखिए। ये देख सकते हैं और ऑपरेटर लोग का फूलों से पूरा स्वागत किया जा चुका है और सारे लोग यहां पर अपने स्टेशन पर सेल्फी ले रहे हैं इस ट्रेन का, ये देख सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में तारी घाट से लेकर दिलदार नगर तक पूरी फुल जर्नी हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि गाजीपुर रेलवे स्टेशन से हमने दिखाई थी एक पार्ट वीडियो तारी घाट स्टेशन तक, तो इसलिए हम पूरी जर्नी की वीडियो नहीं दिखा पाए क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जा रही थी, कम से कम एक घंटे की वीडियो हो जा रही थी और एक घंटे की वीडियो बनाने का ये मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा GB लग जाता है। इसी वजह से हम गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से तारी घाट तक एक वीडियो बनाकर आपको दिखाई है और आज इस वीडियो में तारी घाट से सीधा हम दिलदार नगर तक जर्नी करने वाले हैं और तारी घाट से लेकर दिलदार नगर तक पूरी वीडियो हम इसमें दिखाने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की होने वाली है और उत्साहित की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी तारी घाट के सारे लोग हैं इस फर्स्ट टाइम में ट्रेन को देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं और इनके अंदर काफ़ी खुशी है जो इस वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं और काफ़ी लोग उतावले भी थे। काफ़ी सालों के बाद ये अपने तारी घाट स्टेशन पर ट्रेन चली है फर्स्ट टाइम में, मेमू ट्रेन 0584 इसका ट्रेन नंबर है, चाहे तो इसे सर्च करके पता भी कर सकते हैं। तो आज इस जर्नी में आपको पूरी वीडियो हम दिखाने वाले हैं, तो अगर वो फर्स्ट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से जब उद्घाटन किया गया था ट्रेन का तो हम तारी घाट तक थे वीडियो पूरी दिखाई थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी और उस वीडियो को भी जाके आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड हम वीडियो लेते रहते हैं अपने चैनल पर। वीडियो के अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी आज की इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी सालों के बाद इस रूट पर ट्रेन को चलाई गई है, आप लोग को पता ही होगा और काफ़ी सालों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कब तक ट्रेन चलेगी, हर बार ट्रेन का उद्घाटन कैंसिल हो जाया करता था मगर इस बार ट्रेन को चला दिया गया है और काफ़ी लोग ये भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से जो दिलदार नगर के लिए ट्रेन चलाई जाएगी जिस तरह से ये मेमू ट्रेन चली है तो ये क्या मतलब एक ही बार ट्रेन चलेगी, तो हमारे कहने का ये मतलब है यहाँ पर आपको ट्रेन चल चुकी है मगर ये ट्रेन अब रेगुलर बैक टू बैक चलने वाली है अपने गाजीपुर सिटी से लेकर दिलदार नगर तक, दिन भर में जितने चक्कर मार ले, दो मार ले, तीन मार ले और एक पैसेंजर भी चलती है जो तारी घाट से दिलदार नगर तक, मगर वो पैसेंजर सिर्फ तारी घाट तक ही चलती है मगर ये जो मेमू ट्रेन है 0584 स्पेशल ट्रेन है ये अपना ट्रेन चलेगी दिलदार नगर से गाजीपुर सिटी रेल लाइन पर। तो वीडियो ज़रा से पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से रेलवे से रिलेटेड वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो पूरी जर्नी हम आपको करके इस वीडियो में दिखाने वाले हैं और तारी घाट के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं, देख सकते हैं यहाँ पर फाटक पे किस तरह से सेल्फी ले रहे हैं लोग, वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मैडम जी बना रही हैं। तो पूरे वीडियो का मज़ा लेना है तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी आप लोगों को पसंद करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी लोग बाहर देश से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने गाँव घर पर नहीं है वो लोग दूर दूर से परदेश से भी देख रहे हैं अपने गांव की ट्रेन को, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद ट्रेन चलाई हुई है इस रूट पर। तो जो भाई विदेश से देख रहे हैं उन भाई से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा चैनल को, ताकि और भी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी उनको भी सबसे पहले और आपको तो मिलेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन पे
दबा के रखिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन से वीडियो मिल सकेगी सबसे पहले आपको। तो यहाँ से हम बता दें अभी सिंगल रूट है, मगर बहुत जल्दी इन पर और भी ट्रेन आने की संभावना है। जिस तरह से यहाँ पर ट्रेन चलाई गई है उसी तरह से आगे भी भविष्य में और भी ट्रेनें चल सकती हैं, क्योंकि जो ये ट्रेन मेमू ट्रेन चलाई गई है इनको कम से कम दिन में 2-3 बार तो चलाना ही चाहिए, और चलेगी भी, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेन चलेगी, जिस हिसाब से पैसेंजर उठेंगे सफ़र करेंगे, उसी हिसाब से रेलवे को भी फ़ायदा होगा और आप लोग को भी कारोबार में फ़ायदा होने वाला है और रोज़गार में भी फ़ायदा होने वाला है। तो आगे भी रेलवे देखेगा और भी ट्रेन बढ़ाने की कोशिश करेगा, मगर अगर नज़ारे की अगर बात करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन नज़ारा होता है रेलवे जर्नी करने में, क्योंकि सब कुछ हम दिखा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत मंज़र है। आप देख सकते हैं ट्रेन तो ऐसे जैसे लग रहा है जैसे कि एक जरा सी पत्ती भी नहीं हिल रही है, देख पा रहे होंगे, क्योंकि इतनी स्पेशलिस्ट वीडियो हम बनाते ही रहते हैं ताकि आप लोग अगर वीडियो को देखेंगे तो मज़ा भी आएगा देखने में। और मज़ा कभी आता है जब वीडियो को देखकर आप लोग लाइक मार देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तभी मज़ा आता है वीडियो देखने में भी, क्योंकि हम भी मोटिवेट होते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से सफ़र कर कर हम आए हैं आप लोग को इस जर्नी को दिखाने के लिए, क्योंकि मऊ से सफ़र करके हम आए हैं और गाजीपुर सिटी से दिलदार नगर तक पूरी जर्नी दिखाएंगे। और बैक साइड ये ट्रेन जब वापस आएगी उसकी भी पूरी वीडियो हम लोग आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। तो बैक दिलदार नगर से गाजीपुर सिटी रेल लाइन तक ज़रूर वो भी वीडियो देखिएगा, क्योंकि जाने की और आने की दोनों वीडियो हम कवर करेंगे और आप अच्छे तरीके से दिखाएंगे। और दिलदार नगर स्टेशन की भी पूरी वीडियो हम दिखाएंगे, किस तरह से इस ट्रेन का स्वागत किया जाएगा वो भी हम दिखाएंगे। हम बता दें कि कई पार्टों में वीडियो हमारे पास से बनी हुई है, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी घंटे 2 घंटे लग जाते हैं बनाने में, तो इसी वजह से हम आपको पार्ट पार्ट में करके वीडियो दिखा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को एंजॉय ज़रूर करते रहिएगा। और जो इस गांव विलेज से हैं वो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं, कौन से प्रदेश से देख रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो यहाँ से यहाँ तक के सारे लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली है। तो यहाँ से बात करेंगे, दिलदार नगर में हमने एंट्री कर ली है, देख सकते हैं, और वीडियो को हमने स्किप कर दी है क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती, इसी वजह से हमको स्किप करना पड़ा है। और दिलदार नगर के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं ट्रेन को देखने के लिए, क्योंकि इन लोग का भी सफ़र अब काफ़ी आसान होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद नई ट्रेन का सौगात इन लोग को भी मिल चुका है। तो किस तरह से इस ट्रेन का स्वागत किया जाएगा अपने दिलदार नगर स्टेशन पर, पूरी वीडियो हम आपको अच्छे तरीके से दिखाने वाले हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, मगर पूरा आनंद ले पाएंगे इस वीडियो से, मज़े ले पाएंगे, लुफ्त भी ले पाएंगे। और जो भाई दिलदार नगर से हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले आपको, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में हम दिखाने जा रहे हैं गाजीपुर सिटी से लेकर दिलदार नगर तक न्यू वीडियो। तो आप लोगों को ये प्यारी सी वीडियो कैसी लगी प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दिलदार नगर की अगर बात करेंगे तो काफ़ी खूबसूरत विलेज है, देख सकते हैं, और रेलवे के ट्रैकों के बगलों में पूरी मार्केट यहाँ पर लगती है अपने दिलदार नगर में, काफ़ी अच्छा खासा विलेज है दिलदार नगर। और यहाँ से देखते हैं ये विलेज अपना स्टार्ट हो चुका है, तो जस्ट अगर हम बात करेंगे तो कुछ टाइमों में हम दिलदार नगर जंक्शन पे पहुँचने वाले हैं। और यहाँ से अगर देखेंगे तो काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए मोबाइल ले लेकर सेल्फी ले रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, काफ़ी मतलब उत्साहित हैं लोग, काफ़ी खुशी मिल रही है इन लोगों को, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद ट्रेन चली है ना, इस वजह से। तो फर्स्ट टाइम में अपनी मेमू ट्रेन को चलाया गया है गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से लेकर दिलदार नगर तक, तो सारे लोग की तमन्नाओं
अब पूरी हो जाने वाली है, क्योंकि ट्रेन जब चल गई है तो दिल की तमन्नाएं भी पूरी हो जाएंगी। और जिन जिन भाई ने अभी तक इस ट्रेन से सफ़र नहीं किया है और जो भाई ने अभी इस ट्रेन से सफ़र कर लिया है, उन भाई से भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस ट्रेन से अभी तक आपने सफ़र किया कि नहीं किया, कि अभी तक आप वेटिंग में चल रहे हैं। तो प्यारा सा कमेंट करना ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ से अगर देखेंगे तो पूरे विलेज के सारे लोग यहाँ से काफ़ी खुश हैं, अपने घरों से छतों पर से निकल निकल कर इस ट्रेन को देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, काफ़ी इनके अंदर खुशी है क्योंकि ट्रेन चली है ना, इसी वजह से। तो आइए चलते हैं, दिलदार नगर जंक्शन स्टेशन पर मिलेंगे और पूरी बात तो वहीं पर होगी किस तरह से ट्रेन का स्वागत किया जा रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो को स्किप करके भागिएगा मत। और जस्ट यहाँ से बात करेंगे तो ये देखिए, अपने दिलदार नगर जंक्शन स्टेशन पर हम एंट्री करने वाले हैं। ट्रेन भी एंट्री कर चुकी है स्टेशन पर और चलकर देखेंगे कि दिलदार नगर जंक्शन स्टेशन किस तरह से दिखता है, कैसा दिखता है। तो इस वीडियो के मदद से हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो भाई ने अभी तक दिलदार नगर जंक्शन स्टेशन को नहीं देखा है, इस वीडियो के माध्यम से वो भी देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा। और जस्ट हम बात करेंगे तो पहुंच चुके हैं, तो जस्ट यहां से हम बात करने वाले हैं अपने दिलदार नगर पे। ये दिलदार नगर जंक्शन है, यहां पर हम पहुंच चुके हैं। इस टाइम अगर देखेंगे तो यहां पर काफ़ी लोग सफ़र करके आ रहे हैं अपने गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से। ये देख सकते हैं और ये है अपने दिलदार जंक्शन स्टेशन। और यहाँ पर लोगों की अगर भीड़ देखी जाएगी ना, तो काफ़ी लोग फ्री में सफ़र करके यहाँ से अपने गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से आ चुके हैं, जो इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। तो पूरी वीडियो के एंड तक हम ज़रूर दिखाने वाले हैं, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की होने वाली है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए। आइए चलते हैं अपने दिलदार नगर जंक्शन स्टेशन पर, पूरा व्यू हम दिखाएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और ये ट्रेन अपनी सज धज कर अपने गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से चली आई है, जो ये डेली चलाई जाएगी ट्रेन। तो ये देख सकते हैं और यहाँ का व्यू अगर देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिल रहा है, ये देख सकते हैं। और काफ़ी लोग सब ये देख सकते हैं। और ये ट्रेन अभी रिटर्न जो है कि 4 बजे ये ट्रेन अपना जाने वाली है और काफ़ी व्यू आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, ये देख सकते हैं। और काफ़ी लोग फ्री में सफ़र करके अपना चले आ रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ का व्यू हमने पूरा कवर किया हुआ है, ये देख सकते हैं। और काफ़ी लोग फ्री में ही सफ़र का मज़ा ले रहे हैं, उठा रहे हैं। और ये है अपना दिलदार नगर जंक्शन, ये देख सकते हैं। और आगे के साइड में भी पूरा स्वागत किया जा रहा है इस ट्रेन का, तो चलते हैं आगे के साइड, देखते हैं किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। ये देखते हैं, यहाँ पर ट्रेन का पूरा स्वागत किया जा चुका है, जो हम दिखा रहे हैं ये देखते हैं।
ऑपरेटर लोग को माला भी पहनाया गया है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और ऑपरेटर लोग का फूलों से पूरा स्वागत किया जा चुका है और सारे लोग यहाँ पर अपने स्टेशन पर सेल्फी ले रहे हैं इस ट्रेन का, ये देख सकते हैं, ये देखिए। हाँ डायरेक्ट और व्यू की अगर बात करेंगे तो काफ़ी व्यू यहां पर देखने के लिए आपको मिल रहा है और ऑपरेटर लोगों की यहां पर स्वागत किया जा रहा है वालों से, ये देख सकते हैं। सरकार नहीं, अशोक कुमार अशोक अशोक जी हो गए जी, आपके विनय जी हो गए जी, जी। और ये काफी खुश लग रहे हैं ऑपरेटर, ये देख सकते हैं। अभी तो लेवड़ के जाएंगे, बहुत बढ़िया ड्राइवर साहब जी, नमस्ते।